तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर टू, क्लास नाइन चैप्टर टू, कौन सा? पॉलीनोमियल, राइट। पॉलीनोमियल्स, तो यहां पर जो वर्ड है पॉली, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली, बता सकते हैं पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मीनिंग होता है बेटा मैनी, क्या होता है? मैनी। और जो नोमियल्स है इसका मतलब क्या होता है? टर्म्स, है ना। ये तो इसका मीनिंग हुआ ब्रेक करके जो समझ में आता है पॉलीनोमियल। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ चीज़ें, ये देखें आप, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस सेवन, और वन बाई टू एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये रूट थ्री है, और एक्स प्लस नाइन, और यहाँ लिख देते हैं हम सेवन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस वन, और लिखो यहाँ पर एक्स टू द पावर थ्री माइनस सेवन एक्स प्लस फोर। एक लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं आप, और राइट हैंड साइड में कुछ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक्स टू दी पावर माइनस टू प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री, टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस, ये लिख देते हैं यहाँ पर वन बाई टू पावर, राइट, और प्लस वन, वन अपॉन एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ लिख लो आप एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस सेवन एक्स प्लस इलेवन, यहाँ लिख लेते हैं रूट ऑफ एक्स प्लस नाइन। अब इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इनमें और इनमें, बताइए देखकर। ऑब्जर्व करो इसमें क्या डिफरेंस है, देखें यहाँ ये वेरिएबल्स हैं कि नहीं, एक्स वेरिएबल्स हैं, है कि नहीं, ये वेरिएबल्स हैं सारे, यहाँ भी वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर पर गौर करें आप, इनकी पावर्स जो है ना उन पे ध्यान दें, इनमें जो भी ये सारे के सारे कहलाते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दोनों हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे हुए हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनमें खास बात क्या है, जो वेरिएबल है ना उसकी जो पावर है, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर है। होल नंबर जानते हैं क्या होता है, होल नंबर बताइए क्या होते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स स्टार्टिंग कहाँ से होती है बताइए बेटा आप, होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, जीरो से होती है, जीरो वन टू थ्री, ये है होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वन से होती है, होती कि नहीं। और इंटीजर्स, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये और नेगेटिव भी होते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री बताया था। अब इनमें जो पावर्स है वेरिएबल की ना वो देखें आप, सभी में जो पावर है इसकी वन पावर है, थ्री और वन, इसकी टू है इसकी वन है, इसकी वन पावर है इसकी है वन, इसकी थ्री है, ये टू पावर वन पावर है,
और टू और वन पावर है। इसमें जो पावर्स है वेरिएबल्स की वो होल नंबर से, होल नंबर के इधर उधर कोई नंबर नहीं है, है कि नहीं। अगर हम कहते हैं यहाँ पर सेवन ओनली, तो इसको लिख सकते हैं हम सेवन एक्स टू द पावर जीरो, बिकॉज एक्स टू द पावर जीरो इज वन, इसमें जीरो पावर है, राइट। अब यहाँ आ जाते हैं, इसकी पावर वन है बट इसकी पावर कितनी है, माइनस टू। ये होल नंबर है क्या? ये होल नंबर नहीं है। इसकी पावर टू है, ठीक है, बट इसकी पावर वन बाई टू है, ये भी होल नंबर नहीं है। अब ये बताओ यहाँ पर x की पावर कितनी है पहले टर्म में? बताओ, वन अपॉन x है, इसमें x की पावर कितनी है? जीरो। नो, इसमें आप मुझे बताइए, यहाँ लिखा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस वन। इसे देखें, इसमें एक्स की पावर कितनी है? कितनी है? टू पावर है, टू है। इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी बताइए? इस पावर को ऊपर लाएंगे तो क्या होगी? एक्स की पावर माइनस टू होगी नहीं, प्लस। अब बताइए इसकी पावर कितनी है अगर हम सॉल्व करें इसे, इसे सही वे में लिखें से एक्स टू दी पावर माइनस वन और प्लस। अब ये होल नंबर है बट ये होल नंबर नहीं है। यहां पर देख, ये होल नंबर है क्या? ये होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है। इसमें इसमें बताइए ये होल नंबर है या नहीं है? अगर यहाँ रूट हटाएंगे तो हमें वन बाई टू पावर लगाना होगा, एक्स टू दी पावर वन बाई टू, रूट हटा के वन बाई टू पावर लगाते नहीं, और ये हो जाएगा प्लस नाइन। तो हम देख सकते हैं ये होल नंबर नहीं है। अब ऐसे बताइए ये होल नंबर नहीं है, राइट। तो इन सभी में x की पावर होल नंबर नहीं है बट इसमें है। तो सिंपल वे है समझाने का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं क्या? पॉलिनोमियल्स। तो आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, कर लेंगे देखकर, आइडेंटिफाई कर लेंगे ना। अब बात आती है इसमें कितने वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, सिंगल वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो ये सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल है एक्स में, इसे डिनोट करते हैं बेटा पी एक्स से, ठीक है। मैं अगर यहां लिखता हूं वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, अब मुझे बताइए इसमें कितने वेरिएबल्स यूज किए गए हैं? टू वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है एक्स और वाई। अगर हम कहते हैं यहां पर जेड स्क्वायर प्लस नाइन जेड और माइनस टू, इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं? वन। तो ये भी क्या है, सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ये सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल। वेरिएबल क्या है? जेड। तो इसे डिनोट किससे करेंगे? पी जेड या क्यू जेड, है नहीं ऐसे। ये बताओ ये पॉलिनोमियल है नहीं है? है ये है। यहां लिखा है जेड टू द पावर वन बाई टू प्लस नाइन जेड प्लस सेवन, इज इट पॉलिनोमियल और नॉट? बिकॉज वन बाई टू पावर है। इज इट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही,
चाहे पावर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, एलजेब्रिक का एक्सप्रेशन होगा, बट वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं किसकी, पता है डिग्री की? किसकी डिग्री ऑफ द डिग्री? डिग्री मुझे बताओ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में जो बना है आपका, ये पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, इनमें पहले पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? थ्री है। तो हाईएस्ट पावर जो है ना वेरिएबल की, वही कहलाती है डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है? थ्री। इसकी टू। इसकी वन। वेरी गुड। इसकी थ्री। ए टू। ये इसकी डिग्री? वन। इसकी डिग्री टू। और बच्चे इसकी डिग्री? जीरो। जीरो डिग्री। इट मीन्स कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए, यहां लिखा है टू, ओनली टू, कॉन्स्टेंट है कि नहीं? कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है इसमें। इज इट पॉलिनोमियल? यस इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो। इसे लिख सकते हैं क्या? टू एक्स टू द पावर जीरो लिख सकते हैं। नहीं समझ में? आप समझे, जो हाईएस्ट डिग्री है ना, हाईएस्ट डिग्री पहले लिखी हुई है, उससे कम लिखी हुई है उसके बाद। यहां भी हाईएस्ट डिग्री पहले लिखी हुई है, हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म पहले लिखा हुआ है, उसके बाद कम हुई है पावर, उसके बाद इसका इसका इस टर्म का डिग्री, इस टर्म की पावर कितनी है? थ्री पावर का है ना। और ये टर्म, और ये जीरो डिग्री, जीरो पावर का ना ये टर्म, फोर। मुझे बताइए हाईएस्ट डिग्री टर्म इसमें कितना है? वन। इसका आगे लिखा हुआ है, ये भी, ये कम है इससे, और ये आपका टू आगे है, इसमें एक्स है नहीं, ये आपका आगे है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, एक्स की पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं? अब समझे आप कि अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि हाईएस्ट पावर पहले लिखी हुई है, उसके बाद एक्स की पावर डिक्रीज होकर लिखा हुआ है आगे, अगले टर्म्स, इन्हें कहते हैं हम क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? अब मुझे बताइए, यहां हमने लिखा एक्स प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे? 9x² + x + 7 + 7। अब तो हाईएस्ट डिग्री आगे लिखेंगे पावर, उसके बाद कम करते हुए लिखते जाएंगे। तो जो आगे लिखा हुआ है टर्म ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो आगे लिखा हुआ है उसे कहते हैं लीडिंग टर्म। क्या कहते हैं? लीडिंग टर्म कहते हैं उसे। और लीडिंग जो टर्म है, मुझे बताइए इसका लीडिंग टर्म कितना है? इसका लीडिंग टर्म कितना है? इसका लीडिंग टर्म कितना है? एक्स स्क्वायर। इसका लीडिंग टर्म कितना है? एक्स स्क्वायर। इसका लीडिंग टर्म? वेरी गुड। और इसका लीडिंग टर्म? वेरी गुड। इसका लीडिंग टर्म? यस। इसका लीडिंग टर्म? इसका लीडिंग टर्म? और इसका सेवन। एक बात और ध्यान रखें आप, डिग्री हो गया, लीडिंग टर्म हो गया, अब हम बात करते हैं किसकी? कोएफिशिएंट्स की। किसकी? कोएफिशिएंट की। ठीक है, ये फोन दे के आना बेटा। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट्स की। मुझे ये बताइए, यहां लिख रहा हूं मैं एक चीज, ये देखें आप,
वन इंटू फाइव कितना आएगा? फाइव. वन इंटू एक्स, एक्स ओनली है ना. आप बताइए यहां लिखा है थ्री बाई टू, ये छोड़ो आप, यहां लिखा है वन इंटू फाइव एक्स स्क्वायर, कितना आएगा? यहां लिखा है वन इंटू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब. इसके साथ में हम किसका मल्टीप्लाई मान सकते हैं? वन. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन हुआ, इसका कोएफिशिएंट एक्स टू द पावर वन का सेवन, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना होगा? वन. वेरी गुड. एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस सेवन. साइन साथ में लेंगे. बताओ इसमें एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट फाइव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट थ्री, एक्स का कोएफिशिएंट वन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेवन बाई टू. इज इट क्लियर? कोएफिशिएंट क्लियर हो गए. अब आगे देखें बेटा, जो कोएफिशिएंट्स है ना, जो कोएफिशिएंट्स है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रूट में हो सकता है, वन बाई टू हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, पावर में भी हो सकता है. यहां पर जो है वन मानेंगे, इसके साथ में जो मल्टीप्लाई है ना वो कोएफिशिएंट है. इज इट क्लियर नोट? ये समझ आ गया आपको? हाँ. चलिए आगे हम पढ़ाते हैं नेक्स्ट. ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं और